आप लोगों के लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर के आई हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है हाथों से हैंड एम्ब्रॉयडरी में। इसमें मैंने 7 अलग अलग प्रकार के स्टिचेस यूज़ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो अब हम ये स्टिचेस और इतना सुंदर डिज़ाइन कैसे बनाएंगे? जब तक हम नॉर्मल तरीके से स्टिचेस करना ना सीख जाए तब तक हम सुंदर डिज़ाइन नहीं बना पाते। तो आइए मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगी सिंपल डिज़ाइन। ध्यान से देखिए, डिज़ाइन कोई भी बनाना हो उसके पहले हमें एक रिंग में इस तरीके से कपड़े को पूरे तरीके से स्ट्रेच करना होता है, बिल्कुल झोल इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम फर्स्ट स्टिच करेंगे, नॉर्मल स्टिच आपको मैं दिखाना चाहूंगी पहले। नॉर्मल स्टिच यहाँ खत्म हो गई है। इसके बाद हम इसी तरीके से टाकों को थोड़ा सा डिजाइन के रूप में देंगे, जिसमें हमने यहाँ से सुई को बाहर निकाला हुआ है। अब हम इसमें जो है हमारे इस धागे को इस तरीके से गोल कर लेंगे। एक नॉट देनी है, जिससे कि हमारा धागा यहाँ पकड़ा रहे। अब हम वापस से इसके अंदर से ही सुई निकालेंगे हमारी, और इस तरीके से इसे ऊपर ले जा करके जहाँ पे हमने पहले से डिजाइन डाला हुआ है उस डिज़ाइन के कॉर्नर, जो ऊपर साइड का कॉर्नर है, वहाँ से हमें सुई निकालनी है। इस धागे को जो सिंगल है इसे सुई में इस तरीके से राउंड करना है। फिर वापस हमें यहाँ पे नॉट कर देना है ताकि हमारा धागा ना निकले। इस तरीके से सेम इधर भी, दूसरी तरफ भी हम इसको करेंगे। फिर से हमने इस धागे को ऐसे राउंड किया। फिर से वापस हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब हमें ये सुई वापस इन दोनों के बीच में जो ये सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें ऊपर निकालना है, और ये जो लाइन आप स्ट्रेट देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन के इस बिंदु पे ले जा करके हमें अंदर तरफ, ये देखिए इस तरीके से हमारा एक फूल रेडी। वापस हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। डिज़ाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सारी डिज़ाइन पहले पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी स्टिचिंग साफ सुथरी दिखाई दे। अब आपको ये एक पेड़ या पत्तों की तरह आपको ये नजर आ रहा होगा। सेम मैं आपको दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगी,
इसके बाद में जो ये तीसरा हमारे पास डिजाइन है, इस डिजाइन में हमें स्टार्टिंग में ही जो मैंने पहले आपको यहाँ दिखाया था वही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे लेना है। इस धागे को राउंड करना है, इस तरीके से नॉट, ताकि हमारा धागा इधर उधर ना जाए। वापस इसके सेंटर पॉइंट पे लाएंगे सुई को, इधर से लेंगे या इधर से लेंगे, हमारी डिजाइन सेम एक जैसी ही आनी है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। वापस से नॉट, फिर हम हमारे सेंटर पॉइंट पे आएंगे, तरीके से हमारा तीन पत्तियों का एक फूल रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी को ये सीखना अगर होगा तो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जा रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। Thank you.